प्रमोद तिवारी। मैं आज जब एक अत्यंत गंभीर विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, आ गया, तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के उस स्टैंड को दोहराना चाहता हूं जो हमारे नेता ने कहा था, बाद में सभी लोगों ने कहा है कि ये सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ है जो एक पवित्र नाम लेकर काला धन समाप्त करने के लिए मुट्ठी भर अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने शुभचिंतकों, अपने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा की सरकार ने इन 500 और 1000 की नोटों को बंद किया है। ये एक पूरी तरह से ऐसी स्थिति है जहां इन्होंने किया, इसलिए मैं जेपीसी की मांग को सबसे पहले रखता हूं और क्यों हो उसके तथ्य इसके बाद मैं आपके बीच में रखता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हालात क्या कर दिए हैं? हालात ये कर दिए हैं कि मां बाप के पास पैसे हैं, 500-1000 के नोट है, बच्चा मर रहा है, डॉक्टर 500 की नोट नहीं ले रहा है, बच्चा उसकी आंखों के सामने मर रहा है, और उसके बाद उस मां बाप पे क्या गुजरती होगी शायद यहां बैठे लोग नहीं जानते हैं। आज हालात यह है कि पैसे हैं जेब में पर कोई लेने वाला नहीं है, भूख से लोग बिलबिला रहे हैं पर 500-1000 की नोट चल नहीं रही है, और सबसे बुरी हालत तो यह है, शायद उन लोगों को चिंता नहीं होगी जिनके घर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिन घर में बेटियां होंगी, जो परिवार मानते होंगे, मैं ऐसे कई परिवार के माँ बाप मिले, मैं कल आया हूं प्रतापगढ़ से लौटकर, जिनके बारात आने वाली है और वो नहीं जानते इन बेटियों के हाथ कैसे पीले हों। बहुत हाय ले रहे हैं आप, बहुत आपको बद्दुआ लग रही है, पर इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, इधर मैं जिन शहरों में गया पिछले 7-8 दिनों के अंदर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ, और तो छोड़िए प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र वाराणसी में चले जाइए, लंबी लंबी लाइन लगी बैंकों के सामने, एटीएम के सामने, सुबह से लोग शाम तक खड़े हैं, और जब पहुंचते हैं खिड़की के पास तो अंदर से दिखा दिया जाता है पैसा खत्म। ये हालात है, गांव में स्कूल बंद है, पूछो भैया क्या हुआ, लड़के सड़क पे क्यों खेल रहे हैं, कहे मास्टर साहब लाइन में लगे। हालात ये है कि छोटे कारोबारी, भुखमरी की नौबत आ गई, कैसे चलता है कारोबार, वहां पे कोई प्लास्टिक नोट नहीं चलती, वो थोड़ा पैसा इकट्ठा करता है, थोड़ा माल लाता है, थोड़ा बेचता है, उसकी तो दिन भर की बिक्री 2000 की नहीं होती, और आप तो एक आदमी के हाथ में 2000 पकड़ा रहे हो, अगर कुछ खरीदे 10-20-25 का तो वादा कहां से करे, कहीं व्यवहारिक होके बात करिए। जो आज गांव की हालत है मैं वो आपको बयान कर रहा हूं, ये जो दिहाड़ी मजदूर हैं, हालात नहीं मालूम होंगे इस सरकार को, क्योंकि सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों का ख्याल रखती है। आज जहां मजदूर रोज आता था गांव से शहरों में खड़ा होता था, सबको हालात मालूम होंगे, दिन भर उस मजदूर को मजदूरी देने के लिए कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि अगर मजदूर की मजदूरी दे भी दे तो सीमेंट कहां से लाए, ईंट कहां से लाए, काम कहां से कराए। हालात ये हैं कि मजदूरों के घर में फाका पड़ रहा है, आज हालात यहां तक पहुंच गए हैं। और छोड़ दीजिए आप, जो आपने कदम उठाए इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, शहर में सबसे एक बुरी हालत जो हो रही है, बहुत से लोगों के बच्चे शहरों में पढ़ रहे हैं, जो शहरों में पढ़ते हैं सुबह शाम कहीं यहां खाना खाते हैं होटल में, बच्चे कहीं वहां खाते हैं, उनके पास 500-1000 के नोट हैं, लेकिन उन बच्चों को कोई खाना खिलाने को तैयार नहीं, उन छात्रों को वो होटलों में खाना नहीं मिल रहा है उनको, क्योंकि उनके पास कोई परिवार नहीं, उनको कोई सहारा नहीं। और सबसे बुरी हालत तो उसकी है, कल मैं आपको एक कहानी सुना दूं, कल एक कार्यक्रम में गया था किसान, हमेशा वो बोलता था जय श्री राम, क्योंकि भाजपा का बड़ा कट्टर समर्थक था, कल बड़ी जोर से आया, तपाक से हाथ मिलाया, मंगल का दिन था, मैं मंदिर से उतर के आ रहा था, मैंने कहा क्या हुआ आज क्यों नहीं बोल रहे हो, तो कह रहे भस्मासुर की कहानी सुनो, बड़ा बुढ़ा है, भस्मासुर की कहानी सुनो, हम ही किसानों ने, हम ही ने शिव भगवान बन के मोदी जी की सरकार बनवा दी थी,
ये तो कलयुग का भस्मासुर है, जिन्होंने बनाया था उन्हीं के सर पर हाथ रख रहा है, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के। तो आज आपकी हालत भस्मासुर की हो गई। लेकिन मेरे ख्याल से जिनको मालूम होगी थोड़ी पौराणिक कहानी, वो जानते हैं भस्मासुर का अंत कब होता है। मैं नहीं जानता, लेकिन 2017-2019 में अपने सर पर हाथ रखकर नाचोगे और खुद भस्म हो जाओगे, आपने जो हालात कर दी है। ये पोजीशन बन गई आपकी। बात करते हैं कि इससे तस्करी रुक जाएगी, ड्रग्स का कारोबार रुक जाएगा। जिस सरकार में सबसे ज्यादा ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, वहां तो आप सहयोगी हो, रोक क्यों नहीं लेते? पंजाब में नाम ले रहा हूं, वहां सबसे ज्यादा ड्रग की तस्करी होती है, आंकड़े कहते हैं सबसे ज्यादा तस्करी होती है वहां। तो आप लाल बत्ती जला के घूम रहे हो, आपका ड्रग्स रोकोगे? अरे ड्रग्स में तो लाने में सहायक आप हो, उस सरकार में सहायक हो जहां सबसे ज्यादा होता है, तो वो तो आप कर नहीं पा रहे हो। आप गरीब आदमी का जीना दुखसवार कर दिया है। किया क्यों आपने? क्यों मैं कहता हूं, जरूरत क्या पड़ी आपको? आपकी जिंदगी के, इस सरकार की जिंदगी के 5 साल थे, 2.5 साल बीत गए। अब आपसे लोग पूछते हैं भाई 15 लाख कहां है, आपके पास जवाब नहीं है। आपसे लोग पूछते हैं कोई सवाल, हर मोर्चे पे आप असफल हो। तो 8 बजे प्रधानमंत्री जी आते हैं और 8 बजे वो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद 12 बजे के बाद ये 500 और 1000 की नोट, शब्द क्या इस्तेमाल किया मुझे आपत्ति, कहा ये रद्दी कागज के टुकड़े हो जाएंगे, 500 रुपए। और कौन रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा? जिस पे आपने लिखा है मैं धारक को, अगर 500 की नोट है तो मैं धारक को 500 रुपए देने का, अगला शब्द गौर करिएगा, वचन देता हूं। ये किसका वचन है? ये भारत सरकार का वचन है, रिजर्व बैंक का वचन है। अगर आपने जो आचरण किया है तो भारत सरकार और चिटफंड कंपनी में फर्क क्या रह गया? चिटफंड कंपनियां भी तो यही करती हैं, वचन देती हैं कि तुम दो, हम 12 महीने में 18 महीने में दुगना कर देंगे, और 12-18 महीने में एक दिन तंबू खेमा उखाड़ के भाग जाती हैं। तो आपने तो भारत सरकार की हालत चिटफंड कंपनियों वाली कर दी है। और आप चिटफंड कंपनियों में अगर आपने किया होता कहीं, तो अब तक आप पे मुकदमा कायम हो जाता। कायदे से तो भारत सरकार अगर ईमानदार है तो आपको अपने ऊपर मुकदमा कायम करा के इसकी जांच करानी चाहिए कि आपने अपना वचन तोड़ा है। और वो वचन कहां दिया था धारक को? वचन कहां दिया था? वो एक प्रॉमिसरी नोट था, लीगल, आपको अधिकार नहीं था। अधिकार मिलता है आपको आरबीआई के 26AB से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रूल है 26, वो कहता है कि एक सीरीज को आप खत्म कर सकते हैं। पर आपने सीरीज नहीं खत्म की, आपने 76% करेंसी को खत्म कर दिया, 86% करेंसी को, 86.4% करेंसी को खत्म कर दिया। यह अधिकार आपको कहां से मिला? यह धोखा आपने किसको दिया? आपने नाम तो लिया काले धन का, और सच पूछिए तो आपने हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को धोखा दिया है, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात किया है। वैसे तो हम लोग जब विदेश जाते हैं आपकी सरकार की तारीफ करके आते हैं, क्योंकि वो भारत की सरकार होती है। लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं, कोई तो कह दे, अगर हिम्मत हो आप सब में तो कोई मेरी इस बात को पहुंचा देना कि यह परंपरा नहीं रही है। भारत के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो अपने देश का गुणगान करते हैं, अपने देश के महत्व को बताते हैं। यहां आप ये कदम उठा के जाते हैं, वहां आप कहते हैं कि मैंने एक हाथ से काला धन, तस्करी और सब रोक दिया। यानी ये भारत सोने की चिड़िया बनाने का वादा था आपका, आपने इसे तस्करों का देश बना दिया, काले धन का देश बना दिया, वो भी विदेश की धरती पर बैठकर। आप भूल गए कि इलेक्शन मीटिंग नहीं एड्रेस कर रहे हैं, बल्कि जापान में एक कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबोधन कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह आचरण आपका निंदनीय है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने भारत माता के का अपमान किया है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, तस्कर काला धन का नाम लेके आप 125 करोड़ लोगों को अपमानित करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कारण बताना चाहता हूं क्यों कर रहा हूं मैं आपसे। आपने तो काला धन 10 महीने से आप कह रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, कर रहे थे बड़े सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे थे। 30,000
डॉलर पहले ले जाने का आपने अनुमति दी थी, धीरे से चुपचाप बढ़ाया, 75,000 डॉलर कर दिया, फिर बढ़ा के 1,25,000 डॉलर कर दिया, फिर 2,30,000 डॉलर कर दिया और भेज दिया आपने अपने दोस्तों यारों के माध्यम से। वायदा तो था काला धन वापस लाएंगे और आपने हिंदुस्तान का धन विदेश भेज दिया। ये आपके सरकार के बनाए हुए नियम है, मैं उन नियमों का उल्लेख देता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं बिल्कुल विजय माल्या की दुखती रख पे हाथ नहीं रखूंगा आपके, मैं ललित मोदी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 1,00,000 करोड़ रुपए पिछले 3 महीना में जमा हुआ है और आपके प्रिय राज्यों में जमा हुआ है, प्रिय राज्यों में जमा हुआ है, जहां आपकी सरकारें हैं वहां ज्यादा जमा हुआ है। ये प्रमोद तिवारी नहीं कह रहा है, ये स्टेट बैंक इंडिया के आंकड़े कह रहे हैं। सामान्यता जहां 50,000 करोड़ जमा होता था, पिछले 4-5 महीने में वहां 1,00,000 करोड़ जमा हुआ, यानी आपने 40-50,000 करोड़ पिछले 3-4 महीने में खपा दिया अपना। भाजपा सरकारें जहां पे हैं वहां आपका यह आचरण रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे, आपने काले धन को जिस तरह से खपाया किया और उसके बाद जिस हालात में आपने किया है, नहीं मिलेगा। पर मैं तो बहुत ज्ञानी ध्यानी समझता था आपकी सरकार को, मेरी गलतफहमी थी, मैं अक्सर गलतफहमी में आ जाता हूं। आप पर तो देश ने भरोसा कर लिया कि अगर जरूरत पड़ेगी, दुश्मन का हमला होगा तो आप संभाल लोगे। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आपके माध्यम से, पूरे सदन से, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप चिंता मत करो, आप जाना, आपके पास अगर सफेद धन है तो उसे एटीएम में जाना, आपको 4,000 मिल जाएगा। कौन सा 4,000 मिलेगा? अभी तो आपको मालूम ही नहीं था कि 4,00,000 एटीएम मशीनों में 2,000 की नोट निकालने वाला इंस्ट्रूमेंट ही नहीं लगा था, नोट जा ही नहीं सकता था, निकल ही नहीं सकता था। क्या यही तैयारी थी? ये भारत के प्रधानमंत्री ने बोला, क्या उन्हें नहीं बताया गया था कि अभी तो आपके एटीएम तैयार नहीं है? दूसरे दिन बेचारे जेटली साहब को थोड़ा बहुत सफाई देने में उतरे, उनका हां अभी उसमें लगाने में हमको 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, और फिर उसके बाद बोले प्रधानमंत्री जी कि आप हमको 50 दिन दे दो, 50 दिन दे दो, हम 50 दिन में आपके सपनों का भारत बनाएंगे। इन 50 दिनों में क्या होगा मालूम है? खरीफ की फसल तैयार हो गई, धान आ चुका है किसान के घर में, खलियान से निकल चुका है। इन 50 दिनों में 700, 800, 900 रुपए में कोई खरीदार नहीं मिल रहा है उसको। 1200, 1400 छोड़िए, घंटी मत बजाइएगा, मैं रौ में हूं इस समय। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धान को खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा है, किसान लूट रहा है, हर क्विंटल पे 400-500 रुपए का घाटा हो रहा है उसको। और शायद नहीं मालूम होगा, ये खेती करने वाले लोग उधर नहीं बैठे हैं, मैं किसान हूं कह रहा हूं आपसे। रबी की फसल में 2 फसलें होती हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यतः, गेहूं और आलू। गेहूं उन्नतशील बीज आज किसान खरीदता है, नहीं मिल रहा है, कहां से खरीदे? आलू कोल्ड स्टोरेज से निकलता है, उसे बीज के रूप में खरीदता है, फिर उसके बाद बोता है, कहां से खरीदे वो? और शायद इनको ये नहीं मालूम होगा, इनको ये नहीं मालूम होगा कि अगर 50 दिनों प्रधानमंत्री जी के वचन पर चला जाए, जो वचन तोड़ने के लिए मशहूर हैं, तो 50 दिन बाद जब आलू बोएगा तो टेम्परेचर इतना ठंडा हो चुका होगा दिसंबर में, जनवरी में, कि वो आलू जमेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा। लुट गई रबी की फसल, रुक गई खरीफ की फसल। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने किसान को जीते जी मार डाला है, वो किसान जो अन्नदाता है, जो धरती का भगवान है, आपने उसको भिखारी बना दिया है, आपने उसको भिखारी बनाया है। कभी किसान इस देश का आपको माफ करने वाला नहीं है। आपने ये भी कह दिया, जो मन किया आप कहते चले गए। पर आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने विश्वास तोड़ा है 125 करोड़ लोगों का। हम तो कहते थे आप उस कुर्सी पर बैठते हैं जिस पर कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठते थे, शास्त्री जी बैठते थे, इंदिरा जी बैठती थी, चौधरी चरण सिंह बैठते थे, अटल बिहारी वाजपेयी बैठते थे। लेकिन आज मालूम है किस लाइन में आप खड़े हो गए? पिछले कई सालों में किसी सभ्य देश ने, किसी विकसित देश ने ये डिनोटेशन नहीं किया कि
किया किसने है, अब आप उसी लाइन में चलिए, जब ध्यान से सुनिएगा, किया था कर्नल गद्दाफी ने, तानाशाह। दूसरा किसने किया था, मुसोलिनी ने, तानाशाह। तीसरा हिटलर ने भी किया था। चौथा नाम अगर लिया जाएगा तो हम तो आपको बैठालते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के साथ, आप जाके बैठ गए गद्दाफी मुसल्लों और हिटलर की कैटेगरी में। ये आज चौथा नाम किसका लिया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी का। जब कहीं लिखा जाएगा किन किन लोगों ने किया, तो उनमें चौथा नाम होगा हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और किसके साथ होगा, मुसोलिनी, हिटलर, गद्दाफी। कहां से कहां पहुंचा दिया आपने 2.5 साल में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने अभी बस शुरू किया, खत्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ATM से 2500 आप कहते निकालेंगे, आप बड़े भारी बादशाह हैं, आप कहते हैं ATM में जाइए 2500 मिल जाएगा, आप कहते हैं एक्सचेंज में जाओ 4500 मिल जाएगा, बैंक में जाओ 24000 तक मिल जाएगा। अरे ये कौन सा पैसा है, कोई आप खैरात में हमें दे रहे हो, या हमारी मेहनत की कमाई का पैसा है? उससे ज्यादा आप रोक कैसे सकते हो हमें बताओ? वो हमने पैसा जो बैंक में रखा है, वो पैसा हमने बहुत विस्तार से अपनी बात कही, बार बार एक 238 ऑनरेबल प्रमोद तिवारी जी ने जो बात बार बार कही कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जो 500 और 1000 के नोट हैं वो रद्दी के टुकड़े हो गए। मैं केवल प्रमोद तिवारी जी की जानकारी के लिए और देश की जानकारी के लिए इतना बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन अपना भाषण किया है और इस संबंध में देश को जानकारी दी है, उसमें जो उन्होंने शब्द कहे उस शब्द को मैं दोहराना चाहता हूँ। देश को, भाइयों और बहनों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि 8 नवंबर 2016 को रात्रि 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनी अमान्य होंगी। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार और काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूदा 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अब केवल ये काले बाजारियों के लिए कहा है कि जो काले बाजारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो कि काले धन के माध्यम से गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं, उनके पास जो नोट है वो रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है सर, किसको आपत्ति हो सकती है कि जो काला बाजारी है, जो काले बाजारी हैं, जो बेईमान है, जो भ्रष्टाचारी है, अगर उनके पास जो पैसा है वो कागज का टुकड़ा हो जाएगा? जो बेईमान नहीं है, जो ईमानदार लोग हैं, जो आम जनता है, जो गरीब है, जो कमजोर तबका है, उनका पैसा जो है सुरक्षित है, उनकी पूरी जो है सुरक्षा की जाएगी, ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। इसलिए उसको डिलीट किया जाए जो कागज के टुकड़े का शब्द कहा गया है। Yes, please, please, please. मैं सिर्फ एक चीज कह दूं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का एक्सपर्ट तो मैं हूं, कब से हो गए? ये मैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जब आप बोलते तो स्पष्ट कर देते, इसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहां से आ गया? दूध का दूध पानी का पानी, और सुनिए, दूध का दूध पानी का पानी भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला आपने ठीक से सुना नहीं, जब से नजमा जी रिटायर हुई, जरा आप कम ख्याल रखते हैं, ख्याल रखिए, नहीं तो फिर वहीं पहुंचा दिए। सुनिए और छोड़िए, रखिए, उनको जब आप सुनिएगा कभी ध्यान से, उन्होंने ये भी कहा जापान में, क्या कहा उन्होंने गाजीपुर में, क्या कहा उन्होंने यहाँ, क्या कहा गोवा में, जब सब मिला के पूछेंगे ना। अरे भाई, I'm not yielding for him. Mr. Naqvi has raised the point of order. The chair will go into the record. Okay, hey, hey.
मैं इंसिस्ट करता हूं, जो मैं बोला हूं मैं उसको दोहराता हूं कि प्रधानमंत्री ने यह कहा था, ये 500 और 1000 के नोट सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे। मैं दोहराता हूं, दृढ़ता से दोहराता हूं, प्रधानमंत्री ने देश को धोखा दिया। बेईमानों, भ्रष्टाचारियों के लिए कागज के टुकड़े हैं, ईमानदारों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कागज के टुकड़े नहीं है। इस सरकार का बेईमानों, भ्रष्टाचारियों के लिए, घोटालेबाजों के लिए वो कागज के टुकड़े हैं। डायरेक्टर के रूप में हो गया, कहीं पे चोट लगी है, कहीं पे निशाना है, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से कंफ्यूज। प्लीज आप जरा प्लीज कम बोलिए तो अच्छा रहेगा। प्लीज आई नेवर इंटरप्ट, यू सी ही इज अ सीनियर मेंबर, बट कंपेयरिंग आवर पॉइंट। शेखर प्लीज 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 रेस्यूम। आई नेवर इंटरप्ट बट कंपेयरिंग आवर प्राइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विद हिटलर, मुसोलिनी, गद्दाफी इज एट्रोशियस टू से द लीस्ट। कंप्लीटली रॉन्ग, इट शुड नॉट गो ऑन रिकॉर्ड सर। नो नो प्लीज 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 वी विल गो इन टू द रिकॉर्ड। If there is anything derogatory, that will be taken care of by the chair. Please, sir. Please. This is very, very unfair. Unparliamentary. We'll go into the record and if anything derogatory will be. एक मिनट. मैं जो कुछ भी कहा रविशंकर जी ने, मैं उस पर अपनी बात फिर से दोहराते हुए कहना चाहता हूँ, किसी सभ्य देश ने, किसी विकसित देश ने ये नहीं किया था। जिन लोगों ने किया था उनके इतिहास पे नाम मैंने पढ़ दिए हैं, उनमें एक थे कर्नल कद्दाफी, उनसे इतराज है आपको? कंक्लूड इन वन मिनट। अरे नहीं भाई, अरे ये डिस्टर्बेंस जो हुआ है, ये जो डिस्टर्बेंस हुआ, उपेंद्र जी प्लीज, ये जो डिस्टर्बेंस हुआ, उपेंद्र जी प्लीज, ये जो डिस्टर्बेंस हुआ, टू मेनी इंटरप्शंस। अरे भैया बैठ जाओ, टेक मोर टाइम। मैं समझ रहा हूँ मेरी बात से कुछ नमक मिर्ची लग रही है, तो आपका उत्तेजित होना स्वाभाविक है, और अगर ऐसा हो रहा, मैं सिर्फ आई एम कंक्लूडिंग टू थ्री मिनट्स प्लीज। ऑलरेडी 21 इज ओवर सर। जयराम रमेश 21 मिनट्स ओवर। मैंने जो कहा उसको दोहरा दूं? यू वांट अनदर 20 मिनट्स? व्हाट इज इट? हां कम ऑन प्रेसाइडिंग ऑफिसर, कैन नॉट बी डिस्कसिंग फॉर द होल ऑफ द प्लीज। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, यू आर प्रेसाइडिंग हियर, मैं आपसे सिर्फ एक विनती करता हूं। मैंने कहा है, फिर दोहराता हूं कि इतिहास में तुलना जब की जाती है बड़े लोगों से, तो उनके सदकारियों से तुलना की जाती है। किसी सभ्य विकसित राष्ट्र ने यह नहीं किया। 124 साल पहले अमेरिका ने किया था, उसके बाद दोबारा नहीं किया। सिर्फ तीन लोगों ने किया था, और तीनों के नाम है कर्नल गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर, चौथा नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। Please, Thakur ji, please, you please sit down. You please sit down. No, he's not telling anything. Please sit down. No, he's quoting the history, that's all. Please sit down. He's clarifying what he has told earlier. Please. No, see, he can take care of himself. Please sit down. Please sit down. The chair is selling. Please sit down. Sir, I'm a very good student of history. That's why I was repeating this. मैं फिर से कर दूं? हिटलर, मुसोलिनी, No, Pramod ji, how many minutes? No, you have only, to stop now. No, sir, no. You are very kind person. No. You only are 3-4 minutes. You three, are eight speakers. No, please stop. 3-4 no, minutes. No. How many minutes? You tell me. No, you see, you can take two more minutes. That's all. Two? Two more minutes. That's two more. All. Yeah. Let me. Sir. Only 2 minutes. Sir, ठीक. Nothing more. Sir, अब मैं चूंकि 2 मिनट है और आप मानेंगे नहीं, इसलिए मैं कंक्लूड करता हूँ। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने ये किया क्यों है? काला धन वापस जाए रुके, ये इरादा आपका नहीं है।
क्योंकि काले धन से जिस दिन से पैदाइश हुई थी आपकी पुरानी पार्टी से, इस पार्टी से नया नाता है आपका, कोई नया नहीं बहुत पुराना है। एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो टीवी पे नोट गिनते हुए पाया गया, तो आपकी शानदार पार्टी का है, किसी दूसरी पार्टी का नहीं। आप ही के पार्टी के लोग हैं जो नंबर दो का पैसा ले रहे थे तो कह रहे थे भगवान से कम नहीं होता, खुदा से कम नहीं होता पैसा, तो ये आप ही ने कहा था। आप तो खुदा से जानते हैं, काले धन से आपका बड़ा पुराना रिश्ता है। मैं एक बात कहूंगा, ये इसलिए कर रहे हैं 500 और 1000 की नोट इसलिए इन्होंने हटाई है, गरीब तो मरे, किसान तो मरे, लोग परेशान हो, लेकिन उससे ज्यादा इसलिए इन्होंने किया है जो एनपीए हुआ है, एनपीए आपके मित्रों का, जो कर्जा माफ किया है, ब्याज माफ किया है 1,10,000 करोड़, इससे जो पैसा आएगा आप अपने एनपीए करने वाले दोस्तों को फिर कर्जा देने के लिए आप इकट्ठा कर रहे हो, जिससे काला धन उन लोगों के पास जाए जिन उद्योगपतियों का अकाउंट खाता एनपीए डिक्लेयर हो गया है, इसलिए आप कर रहे हो। आपकी नियत देश को सुधारने की नहीं है, देश तो उसी दिन सुधर जाएगा जिस दिन आप सुधर जाओगे, क्योंकि देश में जितनी गड़बड़ी आपकी वजह से है, आप सुधर जाओ देश अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन मैं एक मित्रवत सलाह देकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं इतने कहना चाहता हूं कि बहुत से आरोप लगे, वहां विधानसभा में भी कल लग गया है, तमाम अखबारों में लग रहा है, और ये जो आ रहा है ना सुनने लायक नहीं, आजकल मत सुनिएगा, बंद रखिएगा व्हाट्सअप, ऐसी ऐसी गालियां लोग दे रहे हैं कि मुझे बुरा लग रहा है, आपको कितना लगता हो, सोचिए, आपकी तो नौकरी 19 चल रही है, क्या क्या कह रहे हैं लोग। आपसे मैं एक बात कह के बात खत्म करूंगा, एक ही रास्ता है, सच्चाई सामने आ जाए, एक जेपीसी बना दीजिए, जेपीसी सारे आरोपों की जांच कर ले, और आरोपों की जांच करने सच्चाई सामने आ जाएगी। बस मैं इतना कहूंगा, काला धन आप समाप्त नहीं करना चाहते, बल्कि उन मित्रों को उपकृत करना चाहते हैं जिनके सहारे आप सत्ता में चुनकर आए हैं, चंद मुठ्ठी। ओके, थैंक यू।